हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नए सीरीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बेसिकली आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एंसेबल का टॉपिक है। तो दोस्तों, एंसेबल के सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हम लोगों ने डेवॉप्स के काफी टूल्स को कवर कर लिया है, जैसे लिनक्स के वीडियोस हमने बना रखे हैं पूरे के पूरे, और AWS का वीडियो भी हमारा ऑलरेडी कम्प्लीटेड है, और डॉकर का भी कंप्लीटेड है, कुबरनेटिस का भी कंप्लीटेड है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर का भी कंप्लीटेड है। और अब मैंने सोचा कि आप लोगों को एक एंसेबल का पूरा सीरीज लाकर दे दूं। तो आज से हमने सोचा कि एक एंसेबल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और अच्छा खासा हमें एंसेबल पे डिस्कस करना है। तो लगभग एंसेबल का सीरीज मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये कंप्लीट होने में मुझे 1 महीने लग जाएगा। तो दोस्तों, बेसिकली हम इस एंसेबल के सीरीज में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एंसेबल पे वर्क होता है, किस तरीके से एंसेबल को यूज किया जाता है, क्या डिमांड होता है, क्या यूज केस होता है, और कंपनी इसको किस लेवल पे अपने एनवायरनमेंट में यूज कर रही है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपने स्किल्स पे एंसेबल्स को ऐड कर लेते हो तो दोस्तों आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपकी क्या जॉब प्रोफाइल्स वहां पर फिट होती है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट आज के टॉपिक में मेरा कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होगा एंसेबल के ऊपर। आज हम सिर्फ एंसेबल पे एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, एंसेबल को किसने लेके आया उसके बारे में बात करेंगे, एंसेबल को कंपनी में किस लेवल पे यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, और एंसेबल को यूज करने से क्या बेनिफिट्स होता है मार्केट में, और कंपनी किस लेवल पे इसे अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में या अपने ऑपरेशंस वर्क में इसको किस तरीके से यूज करती है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायग्राम के फॉर्मेट में एंसेबल को समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, और हम इसको सीखने के बाद क्या क्या चीज हम कर सकते हैं एंसेबल के थ्रू। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मैं फॉन्ट को यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। चलो तो दोस्तों, हम एंसिबल को स्टार्ट कर रहे हैं, और एंसिबल की बात करें तो एंसिबल काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेयर है, राइट? और इसको ब्रीफ में हम समझेंगे। और एंसिबल एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्या दोस्तों? ये हमारा क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला जो बंदा है उसका नाम भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, और उसका नाम है यहाँ पर मिचेल डिहान। राइट? तो इस बंदे ने इस एंसेबल को डेवलप किया है दोस्तों। तो पहले समझेंगे ये एंसेबल जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है पहले इसको समझेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड ओपनली है, बोले तो ओपन रखा गया है, दैट इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिचेल डिहान ने क्या किया, एंसिबल को बनाया। तो एंसिबल एक सॉफ्टवेयर है, तो जब मिचेल डिहान ने सॉफ्टवेयर को बनाया होगा दोस्तों, तो उसने कोडिंग की गई किया होगा, राइट? क्या किया होगा, उसने अपने सिस्टम के ऊपर बैठ कर कोडिंग किया होगा, राइट? कोड लिखा होगा प्रॉपर तरीके से, तब जाकर उसने एक एंसिबल सॉफ्टवेयर को बनाया। और इसका यूज क्या है अभी बात करेंगे बाद में, पहले ओपन सोर्स को समझ लेते। तो उसमें सोर्स कोड कोडिंग की गई होगी, और उस कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं, है ना? तो जब मिचेल डेहान ने सॉफ्टवेयर को कंपाइलिंग की करा होगा, और कंपाइलिंग करने के बाद एक कंप्लीटली एक सॉफ्टवेयर बना, राइट, जिसको हम यूज करते हैं आजकल। तो मिचेल डेहान ने उस सॉफ्टवेयर का, बोले तो एंसिबल
को लिखने में जो उन्होंने जो कोडिंग की थी उस कोड को उन्होंने ओपन रख दिया, मतलब हाइड नहीं किया, राइट। तो जब उसके सोर्स कोड को ओपन रखा गया, हाइड नहीं किया गया, तो हम इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से कॉल करते हैं, राइट। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड ओपन है, कोई भी बंदा उसे देख सकता है, उस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को रीड कर सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स करने का बेनिफिट्स क्या होता है, क्या यूज केस होता है? तो दोस्तों, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि हर एक सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड ओपन करने का मतलब ये होता है कि अगर इस सॉफ्टवेयर को कोई भी कस्टमर यूज करे या कोई भी कंपनी यूज करे, फॉर एग्जाम्पल मान लो मिचेल डियान ने एक एंसिबल नाम का सॉफ्टवेयर बनाया और उसका सोर्स कोड इन्होंने ओपन रखा, तो इनका ओपन रखने का मतलब क्या था वो समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कंपनी है, राइट, और ये कंपनी चाहती है कि मिचेल डियान ने जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोले तो एंसिबल को डेवलप किया है, तो ये ना कंपनी बोले तो इस कंपनी का नाम भी मैं लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड कंपनी। अब ये एक्स वाई जेड नाम की कंपनी मिचेल डियान के एंसिबल को यूज करना चाहते हैं, राइट, तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड नाम की कंपनी ने क्या किया, एंसिबल को यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि ये एक्स वाई जेड नाम की कंपनी बोलती है कि मिचेल डियान ने जो सॉफ्टवेयर ये बनाया एंसिबल, इसमें ये फलाना कमी है, राइट, या ये एंसिबल हमारी ये डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा है, राइट, या इसमें कुछ दिक्कत है। तो ओपन इसका सोर्स कोड ओपन रखने का मतलब ये था कि एक्स वाई जेड नाम की कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि भाई ये बग है, ये कमियां है, तो एक्स वाई जेड नाम की कंपनी क्या कर सकती है, उस एंसिबल के अंदर बोले तो जो सोर्स कोड है उसको ओपन करके वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते, मतलब अपने उनको लगता है भाई ये कमी है, तो ठीक है भाई आप अपने डेवलपर से उस पे एडिट करा के उसको चेंज करा लीजिए। तो ये मतलब होता है हर एक सॉफ्टवेयर को का जो सोर्स कोड है ओपन करने का। तो ये एक बड़ा रीजन होता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को ओपन रख दें, तो हमारा जो कस्टमर है, यूजर है, वो अपने नीड और डिमांड के हिसाब से उस पे चेंजेस कर सकता है। तो बेसिकली ये फायदा होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को ओपन करने का। तो इसी तरीके से दोस्तों यही एक रीजन था यहाँ पर एंसिबल को ओपन सोर्स बनाने का। उसी के साथ साथ अब सवाल ये आता है कि ठीक है भाई आप ओपन सोर्स इन्होंने कर दिया, राइट, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन में आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर हर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लाइसेंस देने की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट दोस्तों, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GNU, और आप आई थिंक आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होगा, जनरल पब्लिक लाइसेंस। राइट, तो GNU एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लाइसेंस प्रोवाइड करती है दोस्तों। अब ये लाइसेंस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, ये भी मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मिचेल डियान ने क्या किया, एक एंसिबल नाम का सॉफ्टवेयर बनाया, उसका सोर्स कोड ओपन है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ, मिचेल डियान को पहले GNU से अप्रूव कराना पड़ेगा, लाइसेंस लेनी पड़ेगी कि मैंने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया और आप इसको अप्रूव कर दीजिए, राइट। तो क्यों अप्रूवल लेना पड़ता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ, राइट। तो होता क्या है दोस्तों, देखो मान लो मिचेल डियान ने एंसिबल बना दिया, ओपन सोर्स है, अब ये GNU से अप्रूव नहीं करवाता है, तो मान लो कि ये एक्स वाई जेड नाम की कंपनी ने क्या किया, ये एंसिबल को यूज करने लगा, या फिर अदर कंपनी ने भी एंसिबल को यूज करने लगा, या मैं एंसिबल को यूज करने लगा, या आपकी कोई इंडियन बैंकिंग सेक्टर की कंपनी एंसिबल को यूज करने लगी। अब खुदा ना खास्ता कि उस सॉफ्टवेयर को यूज करके मान लो मेरा प्रोडक्शन एनवायरमेंट में कुछ इशू आ गया, या मेरा प्रोडक्शन एनवायरमेंट का सर्वर हैक हो गया, या बैंक का सर्वर हैक हो गया, राइट, हो सकता है कि मिचेल डियान ने उस एंसिबल को जब उन्होंने राइट किया था तो उस पे ऐसी कुछ स्क्रिप्ट लिख दी थी कि किसी भी सर्वर पे इंस्टॉल होगा तो उसका प्राइवेसी हैक हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जस्ट काइंड ऑफ। और अगर कंपनी डायरेक्टली यूज करने लग जाती है तो कल को कोई भी एक्सीडेंट होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो दोस्तों अगर मिचेल डियान ने इस एंसिबल को एंसिबल बोले तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो इन्होंने बनाया था उसको अगर GNU से अप्रूव नहीं कराया होता, लाइसेंस नहीं लिया होता, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए तो
किसी के पास नहीं होती, राइट? कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हो, ठीक है? तो बेसिकली इसीलिए जेएनयू के पास हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट? हर एक बंदा जब भी कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बनाता है तो आप पहले जेएनयू से लाइसेंस लीजिए, और जेएनयू बोलता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कि आप उन्हीं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनी इंडस्ट्रीज में यूज करिए जिसको मैंने लाइसेंस दिया है, राइट? अगर मैंने उसे लाइसेंस दिया, इट मींस मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप एक सेफ पॉइंट पे जाते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने प्रोडक्शन एनवायरमेंट में एंसिबल को यूज कर रहा हूँ और वो एंसिबल जेएनयू के थ्रू लाइसेंस है, एंसिबल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और अगर ये जेएनयू के थ्रू लाइसेंस है, तो कल को मेरे प्रोडक्शन में कुछ भी इशू आता है तो मैं मिचेल डिहान के पास नहीं जाऊंगा, मैं पहले जेएनयू के पास जाऊंगा, राइट? और जेएनयू के ऊपर मैं क्लेम कर सकता हूँ क्योंकि जेएनयू ने उसको लाइसेंस प्रोवाइड किया, राइट? तो इसीलिए एक टॉप में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उसको लाइसेंस प्रोवाइड करती है, और कहीं ना कहीं अगर हम हर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर जेएनयू के थ्रू अप्रूव्ड है, लाइसेंस है, तो दोस्तों हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस सॉफ्टवेयर को अपने प्रोडक्शन में यूज करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं जेएनयू के अंदर जो डेवलपर्स बैठे हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन की जॉब ही यही होती है कि हर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लाइसेंस प्रोवाइड करना। हाँ, अब मैं बता देता हूँ कि जेएनयू लाइसेंस प्रोवाइड करने से पहले क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी ओपन सोर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, राइट? फॉर एग्जांपल, मैं एक डेवलपर हूँ, राइट? और फलाना कल को फ्यूचर में मैंने कोई एक डेवलपमेंट किया, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और मैं बोलता हूँ भाई ये सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है ये भी मैं ओपन रखूंगा, राइट? और मैं मार्केट में ऐसे लोगों को सेल करने लगा, सेल बोले तो फ्री में देने लगा, तो क्या गारंटी है कि मैं फ्री में दे रहा हूँ लोग मेरे सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे? हो सकता है मैं हैकर हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, मैं हैकर हूं, मैं फ्री में दे रहा हूं, कोई मेरा सॉफ्टवेयर क्यों लेगा? तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं लोगों तक, तो मुझे सबसे पहले जीएनयू के पास जाना पड़ेगा, और मैं जीएनयू को बोलूंगा कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और मैं आपसे अप्रूवल लेना चाहता हूं, आप मेरे को लाइसेंस प्रोवाइड कर दीजिए जिससे मेरा सॉफ्टवेयर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक मेरा नाम हो जाए। तो जीएनयू क्या बोलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लाइसेंस देंगे, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है पहले हमें बताइए ये क्या मार्केट में यूज होगा, इसका पर्पस क्या है, और विथ हमें इसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड करिए। तो जीएनयू की टीम क्या करेगी, उस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड के हर एक लाइन को रीड करते हैं वो लोग, राइट? कि ऐसा कुछ लाइन पैरामीटर तो नहीं डिफाइन किया आपने कि ये किसी सर्वर पे इंस्टॉल हो गए, इसकी प्राइवेसी हैक हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद जेएनयू क्या करता है, जेएनयू की टीम उसको वेरीफाई करती है, वेरीफाई करने के बाद अप्रूव करती है, और अप्रूव करने से पहले एक स्टेप और होता है, और वो स्टेप क्या होता है दोस्तों, ठीक है आपका सॉफ्टवेयर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हार्मफुल नहीं है, कोई अपने प्रोडक्शन में इंस्टॉल करता है, लेकिन एक चीज है, अगर आपके सॉफ्टवेयर, आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, अगर मार्केट में किसी कंपनी ने इसको यूज करने लगा और उस कंपनी को अगर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर को यूज करने में कुछ प्रॉब्लम आती है, राइट, बोले तो एक उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा? तो अब बंदा उसे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया कि मैं प्रोवाइड करूंगा या मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी, जस्ट काइंड ऑफ। तो मिचेल डिहान के एक बंदा था, उसके पास एक छोटी सी टीम थी, तो उन्होंने जेएनयू से अप्रूवल तो ले लिया, जेएनयू ने जब उनसे बोला कि भाई आप ये बताइए कि इसका टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, तो तब जाकर दोस्तों मार्केट में एक रेड हार्ट नाम की ऑर्गेनाइजेशन आई और एंसिबल को अडॉप्ट किया इन्होंने, और उसके बाद रेड हार्ट नाम की कंपनी बोलती है कि मैं टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करूंगी। तो तब से मिचेल डिहान और रेड हार्ट के डेवलपर्स मिलकर एंसिबल पे काम कर रहे हैं दोस्तों। तो अब आज के टाइम पे एंसिबल पे जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी नए एंसिबल नाम के सॉफ्टवेयर का जो भी नया वर्जन आता है, तो अब क्या हो गया दोस्तों, मिचेल डिहान और उनकी टीम और विद रेड हार्ट के डेवलपर्स मिलकर अब इस एंसिबल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी अगर आपको एंसिबल का कोई एंटरप्राइजेस वर्जन लेना है, बोले तो फॉर एग्जांपल एक एक्सवाइजेड नाम की कंपनी है, अब वो एंसिबल को यूज करना चाहती है, तो लोग रेड हार्ट के साथ टाई अप ले लेते हैं, तो रेड हार्ट उनको एंटरप्राइजेस वर्जन दे देती है, एंटरप्राइजेस लाइसेंस दे देती है, तो उससे उस कंपनी को एक क्लियर हो जाता है कि ठीक है भाई हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कल को अगर हमें कुछ भी इश्यूज आता है एंसिबल से रिलेटेड, कुछ भी दिक्कतें आती, कुछ भी ट्रबल शूट हमें चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो कोई बात नहीं, एंसिबल एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है, सॉरी रेड हार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है जो हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी, राइट? तो
ले देके यहाँ पर जो ओरिजिनल ऑथर है, तो ओरिजिनल ऑथर दोस्तों यहाँ पर एंसेबल को बनाने वाला बंदा कौन है, मिचेल डिहान है, और उसके बाद रेड हार्ट ने इसको अडॉप्ट किया और रेड हार्ट ने इसको परचेज किया, और अब रेड हार्ट क्या कर रहा है, एज ए एंटरप्राइजेस लाइसेंस के साथ ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है। तो आज भी एंसेबल क्या ओपन सोर्स है, आप फ्री में एंसेबल यूज करिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एंसेबल को फ्री में यूज करती है, सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, अगर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आप उसको उसके पे करने पड़ते हैं। हाँ, कोई कंपनी को अगर उसका टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो रेड हैट देगी टेक्निकल सपोर्ट, तो रेड हैट बोलती है मैं ऐसे टेक्निकल सपोर्ट नहीं देती, आपको मेरे साथ सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। तो हर एक कंपनी क्या करती है, एंसेबल को अपने इंडस्ट्रीज में, अपने प्रोडक्शन एनवायरमेंट में यूज करने से पहले वो लोग क्या करते हैं, रेड हैट के साथ सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो अब क्या होता है कि एक अमाउंट फिक्स हो जाता है जो रेड हैट के पास जाता रहता है, तो ये एक रेड हैट की इनकम है, राइट। इसी तरीके से रेड हैट क्या करता है, एंसेबल की ट्रेनिंग भी मार्केट में प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग के साथ सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है। तो ले देकर रेड हार्ट, अगर आप एनसेबल्स के एग्जाम देना चाहते हो दोस्तों, तो आप रेड हार्ट का दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इसकी वैल्यू है आज के टाइम। चलो, ये तो हो गए दोस्तों एनसेबल की हिस्ट्री, और अब बात करते हैं कि एनसेबल का यूज केस क्या है, एक इंडस्ट्रीज इसको किस लेवल पे यूज करती है, और क्या बेनिफिट्स होता है अगर हम एनसेबल को अडॉप्ट करते हैं, और अगर हम अपने काम को डेली बेसिस होने वाले, हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर डेली बेसिस पे होने वाले ऑपरेशंस को अगर हम एनसेबल से करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसेबल के इस यूज केस की तरफ। अभी तो ये हमें उसकी हिस्ट्री को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, हम इसको पहले रफ कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एन नंबर ऑफ सर्वर है, राइट। बोले तो यहां पर देखो, ये सर्वर है और ये एप्लीकेशन सर्वर है, मान लेते हैं ऐप सर्वर, ये ऐप सर्वर है, और लगभग यहां पर 200 ऐप सर्वर है, राइट। इसी तरीके से कंपनी के अंदर यहां पर वेब सर्वर है, और वेब सर्वर भी यहाँ पे नंबर ऑफ वेब सर्वर है, और फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया 300 वेब सर्वर है। इसी तरीके से कंपनी के अंदर ये यहाँ पर और भी सर्वर है, और ये मान लेते हैं डेटाबेस सर्वर है, डीबी सर्वर, राइट, और आई थिंक 300 डीबी सर्वर है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर कंपनी का स्विच है, राउटर है, नेटवर्क डिवाइसेस है, एन नंबर ऑफ स्विच राउटर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कंपनी का क्या है, नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि ये कंपनी का काइंड ऑफ एक डेटा सेंटर है। अब बोला जाए कि एप्लीकेशन सर्वर पे या वेब सर्वर पे या डेटाबेस सर्वर पे, राइट, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वेब सर्वर पे। अब मान लो कंपनी को बोला जाए कि वेब सर्वर 300 वेब सर्वर है, और 300 वेब सर्वर पे आपको कोई एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, कोई भी एक एप्लीकेशन, राइट, फॉर एग्जांपल अपाचे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, आप अगर इस वेब सर्वर पे 300 वेब सर्वर पे अपाचे इंस्टॉल करते हो और एज अ मैनुअल वे यूज करते हो, राइट, बोले तो हर एक सर्वर को आप लॉग इन करके उसके अंदर जाके अपाचे इंस्टॉल करते हो, तो एक बहुत ज्यादा टाइम लगता था, राइट। इसी तरीके से एन नंबर ऑफ टास्क होते हैं सर्वर के ऊपर, जैसे कोई फाइल्स बनानी है, हर सर्वर पे एक फाइल्स बनानी है, या हर सर्वर का अप टाइम निकालना है, तो आप सर्वर का अप टाइम अगर मैनुअल निकाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है दोस्तों। ऐसी आपका जो एप्लीकेशन सर्वर है, 200 एप्लीकेशन सर्वर है, 200 एप्लीकेशन में कोई आपको टास्क करना है, राइट, फॉर एग्जाम्पल की 200 एप्लीकेशन सर्वर है, अब उस पर आपको नेगियोस इंस्टॉल करना है, क्योंकि हर एक सर्वर की आप मॉनिटरिंग करना चाहते हो, तो हर एक सर्वर पे अगर आप नेगियोस मैनुअल इंस्टॉल करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, राइट। इसी के साथ साथ ऐसा नहीं कि आपने एक बार नेगियोस इंस्टॉल कर दिया, अब आप कल को नेगियोस का पैच अपडेट करना है, नेगियोस का वर्जन चेंज करना है, तो मतलब ये टास्क देखा जाए तो ले दे के कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे होते रहते हैं। इसी तरीके से अब एप्लीकेशन सर्वर है, वेब सर्वर है, इनका बैकअप लेना है, अब एवरी डे बैकअप हो रहा है, राइट, सुबह भी बैकअप हो रहा है, शाम को भी बैकअप हो रहा है, सुबह भी हो रहा है, शाम
भी हो रहा है। अब 200 सर्वर 300 सर्वर पे मैनुअल बैकअप लिया जा रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है दोस्तों, एक सिस्टम एडमिन हमें हायर करना पड़ता है, राइट। इसी तरीके से डेटाबेस सर्वर की बात करें तो डेटाबेस 300 डेटाबेस सर्वर है, हर डेटाबेस पे आपको डेटाबेस सर्वर आपने बनाया उस पर डेटाबेस इंजन इंस्टॉल करना है, तो हर सर्वर पे डेटाबेस इंजन अगर आप मैनुअल इंस्टॉल करोगे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसी के साथ साथ इंजन इंस्टॉल करने के बाद कुछ दिन के बाद उस इंजन का नया वर्जन आया, नया वर्जन अपडेट करना, फिर मैनुअल कर रहे हो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बैकअप ले रहे हो मैनुअल कर रहे हो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों क्या होता था, ये तो ठीक है, और बताता हूँ। जैसे ये नेटवर्क डिवाइसेस है, राइट, अब आपकी कंपनी में मान लो 50 स्विच है, 50 राउटर है, 50 फायरवॉल्स है, राइट, F5 का फायरवॉल है, जूनिपर का फायरवॉल है, राइट, एन नंबर ऑफ फायरवॉल्स मार्केट में आते हैं। अब क्या होता है कि नेटवर्क स्विच और राउटर के ऊपर डेली बेसिस पे आपने राउटिंग डिफाइन करनी है, कोई पोर्ट्स अलाउ करना है, कुछ अलाउ डिनाई करना है, फायरवॉल के ऊपर कोई रूल्स ऐड करने, मतलब नेटवर्क की टीम भी कहीं ना कहीं ले देकर ये सारी चीजें राउटर स्विच फायरवॉल के ऊपर लॉग इन करके मैनुअली कर रही है, तो उन्हें भी बहुत ज्यादा ये मैनुअल करने में उन्हें भी बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो ले देकर एक डेटा सेंटर के अंदर जो डेली बेसिस पे ऑपरेशन वर्क हो रहे थे दोस्तों, वो सारा का सारा कुछ क्या हो रहा था, मैनुअल वे से हो रहा था। तो मैनुअल वे से होने से क्या प्रॉब्लम है, मैनुअल वे से होने से प्रॉब्लम ये होती है कंपनी को कि एक तो मैन पावर हायर करना पड़ता है, राइट, और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, और कहीं ना कहीं कॉस्टिंग भी जा रही है, क्योंकि मैनुअली काम होगा तो बंदे ज्यादा चाहिए और काम करने में डिले भी होना है, और कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट हो रहा, मनी भी जा रहा, और वो आउटपुट उतना नहीं आ पाता जितना आप लगा के रखते। तो अब क्या हुआ कि मार्केट में बोला गया कि भाई ये जो डेली बेसिस पे कंपनी में जो डेली ऑपरेशन, डेली बेसिस पे जो ऑपरेशंस होते हैं डेटा सेंटर के ऊपर, एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर, स्विच राउटर के ऊपर, फायरवॉल के ऊपर, जो भी आपकी कंपनी में डाटा सेंटर के अंदर डेली बेसिस पे जो ऑपरेशंस होते हैं, कंपनी ने बोला ये ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना, ये ऑपरेशंस ऑटोमेट करना, मतलब 250 वेब सर्वर पे पैच अपडेट करना है तो मैनुअल नहीं करना, ऑटोमेट करना है। डेटाबेस सर्वर का बैकअप लेना है सुबह शाम, मैनुअल नहीं करना, ऑटोमेट करना है। तो ऑटोमेट से फायदा क्या हुआ कि भाई आपको एक तो मैन पावर कम लगेगी और दूसरा आपका काम भी फास्ट हो जाएगा। स्विच राउटर के ऊपर कोई भी राउटिंग एंट्री करनी है मैनुअल नहीं करना, ऑटोमेट करना है, राइट। फायरवॉल के ऊपर कोई भी एंट्री करनी है मैनुअल नहीं करना, ऑटोमेट करना। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये डेली बेसिस पे होने वाले टास्क, राइट, डेली बेसिस पे होने वाला ऑपरेशन, बोले तो कॉन्फ़िगरेशन डेली बेसिस पे, या वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे आप बोल सकते हो, डेली बेसिस पे बोलिए। हो सकता है कि मान लो कि आपने एक आपकी कंपनी में एक नया डेटा सेंटर लगा, अब नया डेटा सेंटर में एक फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करनी है, राइट, तो वो भी आप ऑटोमेट करना चाहते हो, राइट, क्योंकि मैनुअल करोगे तो फर्स्ट टाइम भी टाइम लगेगा। तो आप जो भी आपने डेटा सेंटर के अंदर, चाहे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशंस हो या डेली बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशंस हो, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आप कल तक मैनुअल कर रहे थे दोस्तों, तो अब सवाल आती है कि इसको ऑटोमेट करना है। तो ऑटोमेट करने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला रास्ता होता है स्क्रिप्टिंग, राइट। अब कौन सी स्क्रिप्टिंग, कोई भी स्क्रिप्टिंग आप यूज कर सकते हो, राइट, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल स्क्रिप्टिंग, राइट, और पाइथन। तो अब सेल स्क्रिप्ट और पाइथन, तो अगर आपको सेल स्क्रिप्ट आता है, राइट, बैस स्क्रिप्टिंग आती है तो आप सेल स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, पाइथन आती तो पाइथन से स्क्रिप्ट कर सकते हो। तो अगर आप स्क्रिप्टिंग से भी ऑटोमेशन को अचीव कर लेते हो, तो स्क्रिप्टिंग से ऑटोमेशन अचीव कैसे किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर पैच अपडेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्क्रिप्ट फाइल लिखूंगा। अब वो स्क्रिप्ट फाइल या तो पाइथन में हो सकती है, तो बैस सेल पे हो सकती है, नो प्रॉब्लम, एन नंबर ऑफ और भी लैंग्वेज है, आप उस पर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आपने क्या किया, एक फाइल बनाई, उसके अंदर क्या किया आपने, एप्लीकेशन सर्वर में पैच अपडेट करने की कमांड्स वगैरह आपने मेंशन कर दी, वेब सर्वर पे पैच अपडेट करने की कमांड्स मेंशन कर दी, कोई फाइल्स हर सर्वर पे कॉपी करना है, फाइल्स कॉपी करने के आपने कमांड्स मेंशन कर दी। बोले तो ये तो मैं जस्ट काइंड ऑफ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, और भी नंबर ऑफ बड़े बड़े टास्क होते हैं जो आप स्क्रिप्ट फाइल पे लिख रहे होते, राइट। लेकिन स्क्रिप्ट फाइल फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखी, अब मैंने स्क्रिप्ट फाइल लिख दिया, राइट, अब मैंने स्क्रिप्ट फाइल जब लिखा तो मैंने अपने हिसाब से उस पर डिजाइनिंग की, राइट, मैंने अपने हिसाब से उस पर कमांड्स डाले, अपने हिसाब से व्यूज रखा, सब कुछ मैंने अपने हिसाब से किया, और स्क्रिप्ट भी बढ़िया चल रही है, स्क्रिप्ट के चलने से भी आपका काम ऑटोमेशन हो रहा है, टाइम कम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपका काम ऑटोमेशन हो गया। लेकिन फिर एंसेबल क्यों आया मार्केट में, जब स्क्रिप्टिंग से काम हो रहा था तो एंसेबल मार्केट में क्यों है, हम उस पर भी अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्या हुआ,
कि मैंने अगर स्क्रिप्ट लिखी और कल को अगर मैं कंपनी को रिजाइन करके चला गया, राइट, तो मेरी स्क्रिप्ट, मेरी लिखी गई स्क्रिप्ट किसी अदर बंदे को समझना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो स्क्रिप्ट मैंने अपने हिसाब से लिखी थी, राइट। एक नया बंदा आता है तो उस स्क्रिप्ट को पहले वो समझेगा, एक हफ्ते तो उसको अंडरस्टैंडिंग में लिख चला जाएगा कि भाई उसने क्या क्या मेंशन किया, ये फलाना कमांड क्या डाल दिया, क्योंकि एक काम को करने के एन नंबर ऑफ कमांड्स होते, राइट। मैं हो सकता है कि मैं जो कमांड डाल के क्या अदर बंदे को नहीं पता, उसके बारे में पहले अंडरस्टैंड करेगा। तो एक बहुत डिफिकल्टीज होती थी कंपनी को जब कोई एक बंदा स्क्रिप्ट लिखकर और उस स्क्रिप्ट से कंपनी अपना काम चला रही है और अगर वो बंदा चला गया छोड़ के, तो कंपनी को बहुत डिफिकल्टीज होती थी, राइट। और इस टाइप की प्रॉब्लम्स कंपनी को बहुत ज्यादा झेलने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इसी के साथ साथ कोई भी नया टास्क अगर कंपनी को करवाने हैं और कोई भी नया टास्क कंपनी के पास आया, उसको ऑटोमेशन करवाना है, तो अब लोग आप स्क्रिप्ट लिखने में लग जाते थे। अब पता लगा 15 दिन हो गया स्क्रिप्ट लिख, अभी तक बना नहीं, 1 महीना हो गया स्क्रिप्ट बना नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने के लिए लॉजिक चाहिए दोस्तों, काइंड ऑफ एक बोले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप से आपको लॉजिक होना चाहिए, राइट। तो आप एक अच्छा सा स्क्रिप्ट लिख सकते थे। तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग से काम हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज हो रही थी कंपनी को, क्योंकि वो इजी वे नहीं है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज है, उसको लर्न करना भी एक डिफिकल्टीज है। और आजकल आप लोगों को पता होगा मार्केट में बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे होते हैं जो 20-20 साल के एक्सपीरियंस होते हैं, 15-15 साल के एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक्सपीरियंस तो होते हैं लेकिन स्क्रिप्टिंग जैसी चीजें अंडरस्टैंड करना उनके फेस की बस की बात नहीं होती। जो है मैं वो क्लियरली आपको शेयर कर रहा हूँ, राइट। हाँ, यंग बंदे स्क्रिप्टिंग को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, राइट। जैसे कि कोई बंदा 20-25 साल का ईयर का है तो स्क्रिप्टिंग को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कोई बंदा 35 ईयर का है जो आईटी इंडस्ट्रीज में टेक्निकल्स में, दोस्तों अगर उसके सामने आप एक स्क्रिप्ट खोल के रख दो, वो बोलेगा भाई मैं नहीं कर रहा, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर उसको बोलो भाई लर्न कर ले, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पर्सनल इतने सारे टास्क होते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो स्क्रिप्टिंग जैसी चीजों को वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे दोस्तों स्क्रिप्टिंग के। ड्रॉबैक्स तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट में और दुनिया में आजकल उन्हीं चीजों को अडॉप्ट किया जाता है जो काम करने में इजी होते हैं, राइट, और बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। तो एंसिबल काइंड ऑफ एक यूजर फ्रेंडली है, राइट। हर एक बंदा एंसिबल को अंडरस्टैंड कर सकता है कि एंसिबल अगर एक 40 इयर्स एक्सपीरियंस बंदे के सामने आप रख दो तो भी एंसिबल के थ्रू आराम से काम कर सकता है। अगर कोई बंदा कंपनी को छोड़ के जाता है तो कोई एक नया बंदे को एंसिबल समझाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि एंसिबल जो होता है पूरा का पूरा मॉड्यूल्स में काम कर रहा होता है, राइट। अब मॉड्यूल्स क्या होता है अब समझते हैं। तो मॉड्यूल्स में क्या होता है दोस्तों, कि फॉर एग्जांपल कि आपको एप्लीकेशन सर्वर में पैच अपडेट करना, राइट। तो आप स्क्रिप्टिंग में क्या कर रहे थे, आप स्क्रिप्ट फाइल के अंदर पैच अपडेट करने की कमांड मेंशन करते थे। एंसिबल में क्या है कि पैच अपडेट करने का मॉड्यूल्स आ चुका है, फाइल को कॉपी करने का मॉड्यूल्स आ चुका है, राइट। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मॉड्यूल्स आ चुका है, कोई सॉफ्टवेयर रिमूव करने का मॉड्यूल्स आ चुका है, यूजर ऐड करने के मॉड्यूल्स आ चुके हैं, राइट। किसी सर्वर के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने के मॉड्यूल्स आ चुके हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अगर एप्लीकेशन सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता है तो उसे कुछ नहीं करना, वो एंसिबल के उस मॉड्यूल को उठाएगा और उस मॉड्यूल में जाकर एक आर्गुमेंट दे देगा कि भाई ये मॉड्यूल्स ये करे और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आ जाए। तो एंसिबल में क्या करना होता है दोस्तों, आपको कुछ नहीं, एक सर्वर यहाँ पे रखना पड़ेगा, राइट। और इस सर्वर के ऊपर दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। हाँ, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दो और आपने बोला कि ये मेरा एंसिबल सर्वर, नहीं। आप एंसिबल के थ्रू किसी भी कोई भी टास्क अदर मशीन पे कराना चाहते हैं, राइट, तो उस पर लिनक्स होना चाहिए। और जब आप लिनक्स इंस्टॉल कर देते हैं तो देन उसके बाद आपको यहाँ पर एंसिबल नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंसिबल नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद जब एंसिबल नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, उसके बाद ये हो जाता है एंसिबल सर्वर। क्या हो जाता है दोस्तों, इसको आप एंसिबल सर्वर बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको कंट्रोलर नोड बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एंसिबल कंट्रोलर बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एन नंबर ऑफ नेम से लोग इसको कॉल करते हैं कंट्रोलर, राइट। तो अब ये एंसिबल कंट्रोलर हो गया, मतलब यहां से टास्क चलेगी और इस पे जाएगी, तो ये हो जाते हैं मैनेज नोड। ये हो गया कंट्रोलर नोड, ये हो गया मैनेज नोड। तो दोस्तों हाँ, मैनेज नोड बोले तो मैनेज नोड ये वाले नोड ये हो सकते हैं विंडोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 200 वेब सर्वर में
250 विंडोज हो, 50 लिनक्स हो, यूनिक्स हो, मैक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 एप सर्वर में विंडोज हो, यूनिक्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एंसिबल सर्वर है बोले तो, जहां पर जहां से आप टास्क को चलाते हो, जो जिसको आप एंसिबल कंट्रोलर बोल रहे हो, दोस्तों यहाँ पर लिनक्स होना मैंडेटरी है, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो क्या होगा कि एंसिबल को कॉन्फिगर करने का कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, राइट। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए आपके पास, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ आपके पास इसमें पाइथन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, राइट। क्योंकि एंसिबल जो होता है पूरा का पूरा पाइथन में रिटर्न किया गया है, और पाइथन का 2.4 वर्जन होना चाहिए, ये बात आप अपने दिमाग में ध्यान से रख लीजिए। 2.4, उससे नीचे का नहीं चलेगा, अबव होगा चल जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ पर एंसिबल के थ्रू आपको फॉर एग्जाम्पल इस सर्वर पे कोई पैच अपडेट कराना है, तो आप एंसिबल के अंदर पैच अपडेट का मॉडल उठा लीजिए और उसके थ्रू आप आर्गुमेंट डिफाइन करके कर सकते हैं। आपको कोई सॉफ्टवेयर कॉपी करना है एंसिबल के अंदर, सॉफ्टवेयर को कॉपी करने का मॉड्यूल्स है, आप उसको उठा लीजिए और उसे कर लीजिए। ये भी नहीं, आप मान लो एंसिबल के थ्रू दोस्तों आप अपने नेटवर्क डिवाइसेस को भी मैनेज कर सकते हो, अपने कंपनी के F5 फायरवॉल को भी मैनेज कर सकते हो, राइट। तो मान लो आपको राउटर के ऊपर कोई राउटिंग डिफाइन करनी है, एंसिबल के अंदर एंसिबल कहता है मेरे पास वो राउटर के अंदर काम करने का भी मॉड्यूल्स है, आप वो मॉड्यूल्स को उठाइए और अपने राउटर्स पे वो काम करवा सकते हो, राइट। इसी तरीके से स्विच पे भी करवा सकते हो और फायरवॉल के ऊपर भी करा सकते हो। इसी तरीके से एंसिबल इतना नहीं और भी बहुत सारी चीजें कर लेता है, जैसे कि मान लो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर AWS पे लगा हुआ, अब AWS के ऊपर आपको कोई चीजें ऑटोमेशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल 500 इंस्टांस आपको बनाने हैं, एंसिबल कहता है मेरे पास AWS पे काम करने के लिए भी मॉड्यूल्स है, मेरे मॉड्यूल्स को उठा के आप AWS पे भी वो काम कर सकते हो। VPC बनाना है, एंसिबल कहता है मेरे पास वो भी मॉड्यूल्स है, उस मॉड्यूल के थ्रू आप AWS पे VPC बना सकते हो, ना कि AWS पे, आप Azure के ऊपर भी कर सकते हो अपना कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट एंसिबल के थ्रू, गूगल क्लाउड के ऊपर भी कर सकते हो। इसका मतलब एंसिबल हर एक प्लेटफॉर्म पे, आप हर एक प्लेटफॉर्म पे जो टास्क करते हो, आप जो ऑपरेशन करते हो मैनुअल, आप उसको ऑटोमेट करा सकते हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट करा सकते हो वाया एंसिबल। तो इतना ज्यादा फेमस है दोस्तों एंसिबल, राइट। और अच्छा खासा बूम पे है, और इस पे काफी ज्यादा जॉब भी मार्केट में बहुत आ रही है आजकल तो। हाँ, एक चीज और बता दो, एंसिबल पे बाय डिफॉल्ट एंसिबल पे तो बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है, और उनके डेवलपर्स और मिचेल डीहसन मिलकर एंसिबल के और मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब और भी नंबर ऑफ मॉडल्स वो ला ला के दे रहे हैं हमारे सुविधा के लिए, कि हमें इतनी दिक्कतें ना हो। तो दोस्तों जब इतनी इजी चीज, इतना इजी चीज मार्केट में आ चुका है आपके ऑपरेशन वर्क को ऑटोमेट करने के लिए, तो फिर भला हम स्क्रिप्टिंग की तरफ क्यों जाए मार्केट, राइट। तो बहुत इजी है, लाइक उनके डेवलपर्स, हाँ हालांकि मॉडल्स के अंदर देखा जाए तो स्क्रिप्टिंग ही लिखी हुई है, लेकिन वो स्क्रिप्टिंग के बारे में अब हमें नहीं सोचना, हमें तो मॉडल्स बनाकर दे दिया कि हम मॉडल्स को यूज कर रहे हैं, बस बात खत्म। तो इसी तरीके दोस्तों एंसिबल, यहाँ पर एंसिबल में एक और बेनिफिट्स होता है कि मान लो कुछ मॉडल्स अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कंपनी में कुछ ऐसा टास्क करना चाहते हो जिसमें एंसिबल के पास कोई भी मॉडल्स अवेलेबल नहीं है, तो एंसिबल बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से भी मॉडल्स को लिख सकते हो दोस्तों, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब जब आप खुद मॉडल्स लिखोगे तो उसको कस्टम मॉडल्स बोला जाता है, उस मॉडल्स को लिखने के लिए आपको पाइथन आनी चाहिए, रूबी या बैस, तो इन तीन लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। तो कोई बात नहीं भाई, जब इतने सारे मॉडल्स है, एक आध मॉडल्स लिखना होगा तो पाइथन की नॉलेज ले लेंगे, राइट। लेकिन ये सारी चीजें बाद में चाहिए, पहले तो आप सिस्टम एडमिन तक का एंसिबल सीख चाहिए दोस्तों। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, एंसिबल इजी भी है और टफ भी है, इजी भी है टफ भी है। अब किसके लिए इजी है किसके लिए टफ है ये मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जैसे कि उसको सिस्टम एडमिन का कुछ नहीं आता, राइट, एक बंदा है उसको लिनक्स ओएस का कुछ नहीं पता, उसे सिस्टम एडमिन का कुछ नहीं पता कि भाई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, सर्वर्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, नेटवर्क स्विच कैसे करते हैं, तो अगर वो बंदा एंसिबल कर लेना उसके कोई बेनिफिट्स का नहीं है, राइट। एंसिबल उन्हीं बंदे के लिए अच्छा होता है जो बंदा ऑलरेडी सिस्टम एडमिन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिस्टम एडमिन हूँ, मैं एक कंपनी के अंदर बैकअप मैनेजमेंट का प्रोसेस कर रहा हूँ, तो मैं अगर एंसिबल सीखता हूं तो मेरे लिए यूज केस है कि भाई मैं जो अपनी कंपनी में बैकअप मैनेजमेंट मैनुअली कर रहा था मैं एंसिबल के थ्रू उसको ऑटोमेट करके, तो मेरे लिए किसी है।
लेकिन एक बंदा अपनी लाइफ में कभी बैकअप मैनेजमेंट किया ही नहीं, उसे कभी इस चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं है कि भाई सिस्टम एडमिन की जॉब की प्रोफाइल में होता है क्या है, उसने कभी मैनुअली ही नहीं किया, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो अगर एंसिबल सीख लेता है तो उसके लिए कोई यूज केस करें, वो कहां पर और क्या ऑटोमेशन करेगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट करेगा, उसको कुछ समझ नहीं आ पाएगा। तो मैं रिकमेंडेड करता हूं कि कोई भी बंदा एटलीस्ट सिस्टम एडमिन के प्रोफाइल को पहले अडॉप्ट कर ले, देन उसके बाद एंसिबल को करने जाए, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए एक नेटवर्क का बंदा, आके बोलता है कि मैं एंसिबल सीख लूं, क्या मेरी जॉब परफेक्ट है, तो मैं उससे बोलता हूँ भाई तू पहले नेटवर्क के ऊपर कुछ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन किया लाइफ में, कभी तूने स्विच कॉन्फ़िगर किया है, कभी तूने राउटर कॉन्फ़िगर किया है, कि स्विच के ऊपर काम किया, फायरवॉल के ऊपर काम किया। हाँ, अगर तूने लाइफ पास्ट में कभी काम किया, ये सारी चीजें मैनुअल की है, तो तुझे एंसिबल अच्छे से समझ में आएगा, फिर तो तुझे कुछ नहीं देखना, तुझे तो बहुत मजा आएगा कि भाई ये चीजें मैं मैनुअल कर रहा था, एंसिबल में तो ये मॉड्यूल्स उठा के मैं ऑटोमेट कर, तो एक बेनिफिट हो जाता है दोस्तों। तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ हर एक बंदे को कि पहले आप अपना सिस्टम एडमिन का प्रोफाइल मजबूत करिए, देन उसके बाद एंसिबल की तरफ आइए, राइट। अब सिस्टम एडमिन का प्रोफाइल का मतलब एटलीस्ट आपको लिनक्स बेसिक आना चाहिए, लिनक्स के ऊपर काम करना आना चाहिए। ऐसे अगर आपका प्रोफाइल विंडोज का है तो आपको विंडोज के सिस्टम एडमिन का पार्ट पता होना चाहिए, अगर आप नेटवर्क प्रोफाइल के हो तो आपको नेटवर्क प्रोफाइल की चीजें पता होना चाहिए। हाँ, एक बंदा अगर बोलता है मैं AWS पे एंसिबल को सीख करके AWS पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट तुझे AWS का भी सिस्टम एडमिन का पार्ट पता होना चाहिए। तब तो तू, अगर तूने पास्ट में कभी AWS के ऊपर इंस्टेंस बनाया, VPC बनाया, एक काइंड ऑफ वर्चुअल डेटा सेंटर सेट किया है, राइट, और एन नंबर ऑफ चीजें होती है, अगर तूने पास्ट में कभी वो चीज किया है तो फिर तो तू एंसिबल को अंडरस्टैंड कर लेगा, भाई मैं ये चीजें AWS पर मैनुअल किया करता था, एंसिबल के मॉड्यूल्स के थ्रू मैं इसको ऑटोमेशन कर सकता हूँ, तो तेरे लिए बेनिफिट्स है, राइट। ऐसे कोई बंदा बोलता है क्या मैं इसको एंसिबल को एजोर पे, एंसिबल को लेकर मैं एजोर पे काम कर लूंगा, बिल्कुल कर लेगा, लेकिन तू पहले कभी एजोर पे मैनुअल तो काम किया होगा, तब तो तुझे मजा आएगा ना कि हाँ मैं पास्ट में इसको मैनुअल करता था, अब मैं एंसिबल के मॉड्यूल्स के थ्रू इसको ऑटोमेट कर। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों है कि आप पहले अपना सिस्टम एडमिन का प्रोफाइल मजबूत करिए, देन उसके बाद एंसिबल करेंगे। तो इसलिए मैंने बोला था एंसिबल इजी भी है और टफ भी है। इजी किसके लिए, जो बंदा सिस्टम एडमिन है वो एंसिबल पढ़ता बहुत इजी है, और अगर कोई बंदा सिस्टम एडमिन कभी किया ही नहीं है और एंसिबल को आके लर्न करे तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा एंसिबल के ऊपर इंट्रोडक्शन, और आज की वीडियो में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। कल से हम एंसिबल के लैब की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों एंसिबल की लैब करने के लिए एटलीस्ट हमें 3 VM चाहिए, राइट। 2 VM में भी काम हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे 3 VM लेके चलेंगे। तो हमारे पास एटलीस्ट 3 VM होना चाहिए, राइट, जिसमें हम एक में एंसिबल कंट्रोलर बनाएंगे और 2 हमारे नोड होंगे जिसके ऊपर हम टास्क परफॉर्म किया करेंगे, राइट। अब दोस्तों ये 3 VM या आप एक VMware के ऊपर भी बना सकते हो, आप फिजिकल भी रख सकते हो, या फिर आप अगर आपको अगर AWS आता है तो आप AWS के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो एंसिबल की लैब करने के लिए, या Azure के ऊपर भी कर सकते हो या गूगल क्लाउड के ऊपर भी कर सकते हो। तो काफी अच्छा टॉपिक है एंसिबल, और लगभग ये 1 महीना जाएगा, और इसकी वीडियो जो है मैं लगभग 25 से 30 वीडियो इसके ऊपर बनाने जाने वाला हूँ। तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं दोस्तों, और आई थिंक रात के 12:30 बज चुके हैं। और ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया एंसिबल की थ्योरी अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत ही जल्दी कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंसिबल की प्रैक्टिकल के साथ। चलो दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।